हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमिता ब्यूटी टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कैसे हम आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं। आईब्रो थ्रेडिंग जब हम करते हैं, पहले हमको क्या चाहिए, आईब्रो थ्रेड चाहिए, जिसको हमको पकड़ना ठीक से आना जरूरी है। तो हम सही तरीके से नहीं होल्ड करेंगे हाथ में तो कैसे आईब्रो बनाएंगे, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे आईब्रो थ्रेडिंग, पहले थ्रेडिंग को हाथ में पकड़ते हैं और कैसे उसको आईब्रो के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो ये दो ही आईब्रो थ्रेडिंग आता है, जो एक व्हाइट वाला आता है और एक ग्रीन वाला आता है। पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात करेंगे तो ये नॉट थोड़ा लंबा रहेगा, इससे आईब्रो जो हेयर उठने में बहुत हेल्प करता है। तो उसको तो देखिए कैसे मैंने पकड़ा इसको, इस तरह से होल्ड करेंगे थोड़ा सा टाइट करने के लिए। यहाँ पर एक राउंड ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी, यहाँ पर लेंगे तो नहीं लेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं तो अच्छा रहता है ए? तो चलिए आईब्रो के ऊपर करते हैं। जब भी हम आईब्रो करते हैं तो सोचते हैं कहाँ से शुरू करेंगे, नहीं आप कोई कन्फ्यूज मत होइए, पहले फोरहेड से शुरू करिए तो आपको आईब्रो बनाने के लिए हेल्प मिलेगा और इजी रहेगा। कोई कोई चाहते हैं, पहले पूछ लीजिए क्लाइंट से वो किस तरह से आईब्रो चाहते हैं, कोई राउंड शेप चाहता है, कोई वी शेप चाहता है, तो कोई स्ट्रेट चाहता है। इसलिए पहले पूछ लीजिए और उनके आईब्रो अकॉर्डिंग आप वही शेप दीजिए। तो इनको चाहिए वी शेप, इसलिए मैंने फोरहेड पहले साफ कर दी, उसके बाद आईब्रो नीचे तरफ करेंगे। नीचे तरफ करने से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह सा जिस तरह सा मैं कर रही हूँ उस तरह सा देखिए, फुल वीडियो देखिए। तो कोई भी कन्फ्यूज है आप मुझे पूछिए, तो देखते रहिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह सा मैं कर रही हूँ, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही आईब्रो करने के बाद दूसरा करेंगे तो बिगनर है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक एक हेयर उठाने के लिए कोशिश करिए, ज़्यादा हेयर एक साथ मत लीजिए तो ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे करिए, हो सकते हो जाएगा। आईब्रो थोड़ा टफ है, पार्लर में जितना भी काम है सबसे ज़्यादा टफ काम है आईब्रो, लेकिन आईब्रो हो जाता है। तो देखिए आईब्रो फ्रंट होने के बाद ऊपर हिस्से कटिंग कर दीजिए, जिस तरह से मैं कटिंग करूँ, उसके बाद थोड़ा सा धागा देकर फिर से जो भी छोटा छोटा हेयर होता है उसको रिमूव कर दीजिए ऊपर तरफ। उसके बाद जो मिडिल जहाँ पर बिंदी हम लगाते हैं वहाँ पर भी कोई कोई का आईब्रो होता है, थोड़ा हेयर भी रह जाता है, उसको दोनों तरफ से करिए। जिस तरह से मैं क्रॉस कर एक्स जैसे कर रही हूँ, इस तरह से करिए, इधर से उधर से हो जाएगा। देखो क्रॉस जैसे कर रही हूँ, इससे उजरा मिडिल में पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसके बाद आइए दूसरी आईब्रो तरफ, जैसे मैंने पहले किए थे इस तरह से कर सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्लीन हो गया था, वीडियो थोड़ा स्किप हो गया तो मैंने इसीलिए नीचे वाला कर रही हूँ, आप इस तरह से कर दीजिए।
तो देख ली मैंने कैसे आईब्रो की आप इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा आईब्रो का पीक उठाना भूल गए थे इसीलिए नहीं है, नेक्स्ट टाइम डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। रहती हूँ, थैंक यू।